आज मुझे अच्छा लग रहा है, आप में जोश दिखाई दे रहा है, जोश हमको आगे आगे तक इसकी जरूरत पड़ेगी। हमें NTPC वालों की नीयत पर शक है, उनकी नीयत खराब है, वो नहीं चाहते कोई समझौता हो, और आज जानबूझ के नहीं आए। जबकि मैं आपको बताऊं क्या हुआ, कल मेरे पास आए वो तीनों, उन्होंने ये कहा कि कल की मीटिंग है, कितने बजे की है, मैं 11 बजे की मीटिंग है, और जो आपको कहना है, जो आपके अधिकारी ने तुम्हें दिया है अधिकार दिया है, उसको वहाँ जाके बताना। और आज कह रहे हैं ADM से झूठ बोल रहे हैं, ADM साहब ने फोन किया तो कह रहे हैं हमें पता ही नहीं है तारीख का आज, तो वो भी हमने तो ADM साहब को कहा देखिए हमें जो झूठ बहका रहा है, हमें जो ब्लफिंग कर रहा है, और वो आपके साथ भी ऐसे कर रहा है। आपने पब्लिकली सबके सामने तय किया कि 22 तारीख इन्हें 15 दिन का टाइम दे दो, आपने टाइम, उन्होंने टाइम मांगा, आपने 15 दिन का टाइम दिया और 22 तारीख लगाई, 22 को आना है अपने अधिकारियों से बात करके और जो भी है इसको निपटाओ। और अब वो कह रहे हो हमारा तो ऑडिट चल रहा है जी, तो अब उन्होंने देखो, अब हम बताएं आपको बहुत सारी चीज़ें, अभी अभी हम ओपन नहीं करेंगे, हम बैठ के फिर अलग बात करेंगे। पहली तारीख इन्होंने अब लगाई है, लेटर तैयार हो रहा है, हो गया लेटर तैयार, वो एक जना क्या नाम उनका अनूप भाई को छोड़ आए हैं, वो लेटर लेके आएगा और एक लेटर उनको जा रहा है। अगर पहली तारीख को कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो हमको कोई भी अप्रिय निर्णय लेना पड़ेगा, उसके लिए हमें तैयार अभी से माइंड में रखना है, चाहे वो निर्णय जो भी होगा तय करेंगे, वो अभी हम घोषणा नहीं करेंगे, वो तय करेंगे, लेकिन हम पहली तारीख को देखना चाहते हैं बस। अब ज़्यादा हमें रुकने की वो नहीं है, बहुत रुक लिए और ये जानबूझ करके पागल बना रहे हैं किसानों का। और हमें पता है जब कहीं किसी आंदोलन, जो आंदोलन उग्र हो जाता है तो टकराव किसका होगा, NTPC वाले अलग बैठे रहेंगे, प्रशासन और हमारे बीच होगा। हमने कह दिया ADM दोनों बैठे हैं, SDM बैठे थे उन्हीं के सामने, कि ये आपकी तोहिन है कि आपके आदेश को ये नहीं मान रहे, आप थोड़ा चुप लगा जाओ, इनकी आदेश छुटा देंगे आप, हम कह के आए कि आदेश छुटा देंगे इनकी। जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय जवान, जय जवान, जय किसान। तो आप अब तो आपको जैसे आज आपकी तादाद है, इस तादाद को थोड़ा और बढ़ाना है हमें, ये 1 तारीख को भी हमें आना है, और 1 के बाद जो भी निर्णय होगा उस निर्णय में पूरी ताकत के साथ। और देखो भाई तैयारी है, प्रशासन क्या करेगा, हमने कोई ऐसा काम किया वो कहेगा गिरफ्तारी, तो गिरफ्तारी में तैयार होकर लड़ाई लड़ेंगे, लंबी लड़ाई होगी, पर हम ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जिससे कि आंदोलन हमारा उग्र हो जाए। क्योंकि प्रशासन क्या करता है, ये लोग आंदोलन उग्र हुआ और ये लोग फिर हावी हो जाता है प्रशासन, लड़ाई हमारी और प्रशासन की हो जाती है, इनका कुछ नहीं बिगड़ता, ये लोग प्रशासन को पुलिस को आगे करते हैं। तो हम ऐसा काम, जो भी काम करेंगे वो लोकतंत्र में जो हम कर सकते हैं नियम से, और वो हम सब काम करेंगे। और इसकी घोषणा पहली तारीख को मीटिंग के बाद ही हम यहाँ कर देंगे, क्या करना है। शर्मा जी, 1 महीना पहले आप नए, मैंने कह दी दिवाकर साहब तू हमारा और आपको टकराव करवाना चाह रही है NTPC, हमने दिवाकर जी को कह दिया 1 महीना पहले, कह दी मैंने, दोनों बैठे थे अभी, उनसे खूब कहा है कि लड़ाई हमारी तुम्हारी करवाना चाहते हैं ये, और आपका आदेश नहीं मानने, हम तो है कौन चीज, जब तुम्हारा आदेश नहीं मानने तुम थोड़ा शांत हो जाओ, इन्हें अपना देख लेंगे हम। सारी पुलिस रोक दो 24 घंटे।